होली में दही भल्ले तो ज़रूर बनते हैं सबके यहाँ, पर आज हम दही भल्ले बनाएंगे बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से, बहुत बढ़िया बने हैं। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले मैंने एक कटोरी मैदा लिया है, मैदे में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा अजवाइन क्रश करके हाथों से, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा घी डाल के या रिफाइंड डाल के, इसमें फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक टाइट सा डो लगाएंगे, और डो लगाने के बाद इसको एकदम डो टाइट सा डो लगाएंगे पूरे को अच्छे से मून दे के, और उसके बाद इसको थोड़ा रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पानी गर्म करके जो हमने बड़े बना के रखे थे ना, उन बड़ों को इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा पानी में नमक डाल के बड़ों को 5 से 10 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये फूल के डबल हो जाएँ। और अब हम जो आटा हमने बनाया पापड़ी का, उसको हम लेंगे और उसको एकदम छोटा सा मतलब पूरी के शेप में बेल लेंगे, और उसको फोक की हेल्प से बिल्कुल छेद कर देंगे ताकि ये फूले नहीं रिफाइंड में जाके। और किसी भी कटोरी का शेप आप दे दीजिए, कोई भी कटोरी घर में छोटी सी कटोरी का, उसके ऊपर उसको चिपका दीजिए और तेल गरम करिए, और उसके ऊपर बिल्कुल अच्छे से इसको प्रेस करते हुए एकदम डाल देंगे, और तेल गरम करिए, एकदम तेल गरम होना चाहिए, और इसको रिफाइन में डाल देंगे। ये हमारी कटोरी बन के तैयार हो जाएगी। बिल्कुल मीडियम आँच पर इसको हल्का हल्का पकाएंगे ताकि अंदर से भी बिल्कुल पक जाए, ऊपर से ना सिर्फ क्रिस्पी हो जाए अंदर से भी पूरी अच्छी तरीके से पक जाए। इसको कटोरी को इस तरह से बन के हमारी कटोरी बन के निकल जाएगी, कटोरी थोड़ी देर में निकल जाएगी, और उसके बाद थोड़ा अलट पलट करके बिल्कुल दोनों तरफ से अच्छे से इसको ब्राउन करके सेक लेंगे, और ये हमारी बन के कटोरी तैयार हो गई है। और अब हम मसाले की तरफ चलते हैं, जिसमें मिर्च, लाल मिर्च और जीरे को भून के अच्छे से उसको क्रश कर लेंगे। हमारा मसाला बन के तैयार हो गया। अब हमने जो दही भल्ले जो थे ना हमारे, वो बिल्कुल फूल के डबल हो चुके हैं, देखिए। इसको हाथों से पानी को निचोड़ के और इसको डाल देंगे, इस सबको निकाल लेंगे, और उसके बाद अब हम चाट बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कटोरी में भल्ले डाल देंगे, और अब दही डालिए, अच्छे से मत के डालिए, और इसके बाद अब हरी चटनी डाल दीजिए, इमली की चटनी डाल दीजिए, थोड़े से अनार के दाने डाल दीजिए, और थोड़े से नमकीन, और जो हमने मसाला बना के रखा था ना, इसके ऊपर से पूरा स्प्रिंकल कर देंगे। और इसके बाद अब इसको थोड़े से धनिया पत्तों से गार्निश करिए, और बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए।